वेल्थम टू माय चैनल मेरा नाम है मृदला और आज का हमारा टॉपिक है एस्ट्रेंजन एस्ट्रेंजन जो होते हैं वो सब्सटेंस के कंपाउंड होते हैं जो कि आपको जब स्किन या बॉडी पे अप्लाई किए जाते हैं मतलब बॉडी टिश्यू पे तो उनको श्रिंक कर देते हैं और प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन कॉज करते हैं तो इसके साथ ही ये क्या करते हैं कि आपको जो भी सर्फिस जहाँ पे अप्लाई किया गया है वहाँ पर एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन कर देते हैं तो जनरली uh, एस्ट्रंजेंट जो है वो आपको डैमेज स्किन के ऊपर टॉपिकली अप्लाई किया जाता है या फिर जीआईटी आई टी के म्यूकिस मेम्ब्रेन पर माउथ को माउथ बिजमें इंक्लूडेड होता है वहाँ पे अप्लाई किया जाता है जो एस्ट्रिंजेंट होते हैं वो आपको सिर्फ़ सुपरफिशियल लेयर को अफेक्ट करते हैं और जो सेलुलर फॉर्मेबिलिटी होती है उसको रिड्यूस करते हैं ये सर्फिस को मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग कर देते हैं जिसकी वजह से आपका जो भी एक्सीडेशन यानी कि जो भी स्किन के अंदर से निकल रहा है उसको वो रोक देते हैं ये आपको एक्सटर्नल इरीटेशन से बचाते हैं ये आपको लोकल स्टाइप्टिक और लोकल एंटीसेप्टिक एक्शन प्रोड्यूस करते हैं ये आपको पेन रिसेप्टर के फंक्शन के साथ इंटरफेयर करते हैं और ये ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करते हैं जिसकी वजह से ब्लीडिंग जो है वो रुक जाती है अब हम देखते हैं कि एस्ट्रेंजेंट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है तो एस्ट्रेंजेंट जो है वो कंपाउंड्स आपके अलग अलग एक्शन प्रोड्यूस करते हैं जैसे स्टिप्टिक एक्शन जिसमें कि ये ब्लीडिंग को रोक देते हैं ब्लड को क्वॉगुलेट करके और स्मॉल कैपोरी कैपलरीज को कंस्ट्रिक्ट करके एंटी इन्फ्लेमेट्री एक्शन जिसमें कि ये ब्लड के सप्लाई को टिश्यूज तक जाने नहीं देते मतलब उसको डिक्रीज कर देते हैं एंटी परस्परिंग एक्शन यानी कि जिसमें कि जो भी आपकी स्वेटिंग होती है उसको डिक्रीज करते हैं जो पोर साइज होता है उसके साइज़ को रिड्यूस करके एंटी माइक्रोबियल एक्शन जिसमें कि ये प्रोटीन प्रेसिपिटेशन मैकेनिज्म से जो है वो एंटी माइक्रोबियल एक्शन प्रोड्यूस करते हैं एस्ट्रेंजन जो है बेसिकली आपको डायरिया या डिसेंट्री को ट्रीट करने के लिए यूज़ होते हैं इन्फ्लेम्ड या फिर लिकिड टिश्यू के केस में यूज होते हैं ल्यूकोरिया यानी कि थिक व्हाइट येलोइ बेचैनल डिस्चार्ज होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए यूज़ होते हैं ये आपको हीलिंग प्रोसेस को प्रमोट करते हैं और ये आपको स्वेटिंग जो होती है उसको डिक्रीज करते हैं और स्किन को टफ बनाते हैं माइल्ड एस्ट्रेंजेंट सॉल्यूशन जो है वो आपको माइनर स्किन इरिटेशन जैसे कि जो आपको सुपरफिशियल कट या फिर एलर्जी या इंसेक्ट बाइट या फंगल इन्फेक्शन की वजह से हुआ हो उसको रिड्यूस करते हैं अब हम कुछ एस्ट्रेंजेंट के बारे में देखते हैं तो सबसे पहला है जिंक सल्फ़ेट जिंक सल्फेट का मोलिकुला फॉमूला होता है जेड एन एस ओ फोर सेवन एस टू वेट होता है टू एट सेवन पॉइंट सिक्स जिंक सल्फेट जो है वो जिंक ब्लेंड यानी कि जिंक सल्फाइड को एयर के प्रेजेंस में जब हीट करते हैं तो जिंक सल्फेट मिलता है फार्मास्यूटिकल ग्रेड जिंक सल्फेट जो है वो आपको हाईली हाई प्योरिटी जिंक ऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके मिलता है यानी जेडेनो जिंक ऑक्साइड जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ वाटर के प्रेजेंस में जिंक सल्फेट देता है uh, जिंक सल्फेट जो है वो वाइट पाउडर या फिर वाइट ग्रेन्यूज होता है ये ऑर्डरलेस होता है एस्ट्रिंजेंट होता है और इसका टेस्ट जो होता है वो मेटालिक होता है ये वाटर में सॉलेबल होता है ग्लिसरीन में भी सोलेबल होता है लेकिन अल्कोहल में इंसॉलेबल होता है जिंक सल्फेट जो है वो एक्सटर्नली आपको सॉल्यूशन uh, या पाउडर्स में यूज़ होता है एज एन एस्ट्रंजेंट इंटरनली देखा जाए तो ये आपको एमेटिक का का काम करता है 0.25 परसेंट जिंक सल्फेट जो है वो ऑपथैलमिक पर्पज़ के लिए यूज़ होता है यानी आई प्रिपरेशंस में यूज़ होता है इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में जिंक प्लेटिंग के लिए यूज़ होता है या फिर मॉडर्न की तरह डाइंग में यूज होता है प्रिजर्वेटिव की तरह स्किन या लेदर्स में यूज होता है ये आपको डाइट्री सप्लीमेंट की तरह आ, यूज़ होता है जब जिंक डिफिशियंसी और पोटेशम पोटैशालम का मॉलिकुलर फार्मूला होता है ए एल के एस ओ फोर टू ट्वेल्व एस टू ओ वेट होता है फोर सेवन फोर पॉइंट थ्री नाइन पोटैशअलम को हम प्रिपेयर कर सकते हैं जब हम कंसनट्रेट सॉल्यूशन पोटेशियम सल्फेट का इक्वीमोलर प्रोपोर्शन ऑफ अल्मोनियम सल्फेट के हॉट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं मतलब यहाँ पे आपको पोटेशियम सल्फेट का कंसनट्रेट सॉल्यूशन और उतना ही अमाउंट जो है अल्मोनियम सल्फेट के हॉट सॉल्यूशन का लेते हैं और उन दोनों को ऐड करते हैं उसके बाद सॉल्यूशन को कंसंट्रेट करते हैं कूल करते हैं तो हमें कैरेक्टरिस्टिक ऑक्टा हेड्रल क्रिस्टल जो होते हैं वो निक सेपरेट हो जाते हैं यानी पोटासम जो है वो सेपरेट हो जाता है पोटासम जो है वो कलरलेस होता है ट्रांसपेरेंट होता है और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है या आपको वाटर में डिजॉल्व होता है तो और जो सोल्यूशन मिलता है वो आप उसमें जो टेस्ट होता है वो हल्का हल्का मीठा होता है ये नेचर में एसिडिक होता है और लेटमस पेपर को रेड कलर में चेंज कर देता है ये आपको बेसिकली यूज़ होता है ड्रिंकिंग वाटर के प्योरिफिकेशन uh, में एज अ केमिकल फ्लॉकलेंट स्टाइप्टिक पेंसिल की तरह यूज होता है ब्लीडिंग को स्टॉप करने में माइनर कट्स के केस में वैक्सीन uh, में एजवेंट का, का काम करता है और वैक्सीन क्या होता है जो कि आपको इम्यून रिस्पॉन्स को और इंक्रीज करता है पिकलिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है पिकल्स को क्रिप्स रखने में फ्लेम रिटार्डेंट होता है एसिडिक कंपोनेंट जो होते हैं बेकिंग पाउडर के वो इसकी वजह से होता है ये आपको होम मेड और कमर्शियल मॉडलिंग क्ले जो होता है उसका इंग्रेडिएंट होता है ये कुछ डेप्लीटरी वैक्सीज uh, जो कि हेयर रिमूवल के लिए यूज़ होते हैं उनका इंग्रेडिएंट होता है स्किन वाइटनर होता है पिंपल्स और एक्निक को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है टूथपेस्ट के कुछ ब्रांड्स में इन्ग्रीडियंट होता है और सेविंग के बाद स्किन पर अप्लाई किया जाता है तो ये था अबाउट आपका एस्ट्रिजेंट के बारे में अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करें थैंक यू फॉर वॉचिंग